और जब भी इनसे मुलाकात होती है तो मुद्दे ढेर सारे होते हैं, चर्चाएं ढेर सारी होती है, लेकिन देखिए अगर मेरी कुर्सी छोड़ने से उनका भला होता है तो मैं एक क्या मैं हजारों कुर्सियां छोड़ सकता हूं अपने भाई बहनों के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनसे मिलने के लिए गया था। अब कल उन्होंने घोषणा की थी कि हम रविंद्र रैना साहब के घर में जाएंगे, कहीं उन्हें अपनी जानें गंवाईं, कहीं बिजली के खंभों से गिरे, पांव हाथ टूटे। आज उनकी फाइल्स का अप्रूवल दे दिया गया है और बहुत जल्द ये आप परमानेंट मुलाजम हो जाएंगे। हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता का ख्याल रखना, जनता की समस्याओं का समाधान करना और जनता के बीच में रहना। सब आपकी दुआ से यहाँ काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पंजाब में भी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब में पहली बार हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबरदस्त जश्न होगा और इसकी गूंज क्या, इसका असर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे। तो मोदी सरकार ने काम किए हैं गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के। अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का। किसानों के खाते में 2-2 हजार, गरीब लोगों को जो हजार हजार रुपए महीने की पेंशन। बस आप देखो आगे आगे देखो होता है क्या। कोरोना में फ्री राशन, फ्री वैक्सीनेशन। अगर चेहरा देखे तो रविंद्रनाथ जी, चलिए मुख्यमंत्री का चेहरा मैटर नहीं करता। गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये देखिए मुख्य, ये मैटर नहीं करता है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा जो भी होगा, बीजेपी का सभी खिलाड़ी आ था ना। क्रिस गेल को जब मैंने ट्वीट किया था कि लेफ्ट हैंडर्स आर ऑलवेज वेरी डेंजरस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, लेफ्ट हैंडर्स आर ऑलवेज वेरी डेंजरस। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हमारे साथ हैं और जब भी इनसे मुलाकात होती है तो मुद्दे ढेर सारे होते हैं, चर्चाएं ढेर सारी होती है, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई एक व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठकर खुलकर बोलता है जनता के हित को लेकर। रविंद्र रैना जी बातचीत करेंगे, पहले हम शुरुआत करेंगे, कल एक लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ डेली वेजेस का कि रविंद्र रैना जी उनसे मिलने गए, कल की बातों को लेकर। पहले आपने उनकी सुनी, उन्होंने कहा देखिए रविंद्र रैना जी अगर हमारा मामला हल नहीं होता तो क्या आप अपनी कुर्सी छोड़कर हमारे साथ धरने में बैठेंगे, क्या कुछ वहाँ पर जो है खुलकर आमने सामने बातचीत हुई। देखिए अगर मेरी कुर्सी छोड़ने से उनका भला होता है तो मैं एक क्या मैं हज़ारों कुर्सियाँ छोड़ सकता हूँ अपने भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए। हमको यहाँ अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, पार्टी का एक दायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने दी होती है और भारतीय जनता पार्टी तो समाज की पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनसे मिलने के लिए गया था। आपने देखा होगा दुनिया भर की सरकारें रही हैं और पिछले 20-25 सालों से इनके मामलात लटके हैं, तो कोई मुख्यमंत्री या कोई रूलिंग पार्टी का कभी अध्यक्ष इनके धरने में नहीं गया होगा। मैं जब हमारी गठबंधन सरकार थी तब भी इनके साथ गया था, आंदोलन में बैठता था, और आज जब मैं अध्यक्ष के नाते से ये कार्यभार देख रहा हूँ तो भी मैं अपने साथियों के बीच जाता हूँ। कल उन्होंने घोषणा की थी कि हम रविंद्र रैना साहब के घर में जाएंगे, तो मैंने कहा मेरे घर में स्वागत है, हमारे भाई हैं, एक भाई दूसरे के घर में नहीं जाएगा तो किसके घर में जाएगा। तो जब वो उनको रास्ते में हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, चूँकि उनका काम होता है, बिल्कुल, उन्होंने वहाँ उनसे बातचीत की तो मुझे मालूम पता चला कि रास्ते में कहीं ये रुके हैं, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। उनका मसला हल होना चाहिए। बिजली विभाग के 12,000 जो अस्थाई कर्मचारी थे डेली वेजर्स, उनके मामलों को भी हल किया गया है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, जो पिछले कई सालों से बिजली के सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए जो काम करते हैं, बहुत से लोगों ने जान गंवाई, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, धूप, कुछ नहीं देखा उन्होंने। कई उन्हें अपनी जानें गंवाई, कई बिजली के खंभों से गिरे, पांव हाथ टूटे।
और मैं भी जब अपने क्षेत्र में एमएलए के नाते से काम करता था, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिजली को सप्लाई मेंटेन करने में यही लोग थे, डेली वेजर्स। और आज हमें इस बात की बेहद खुशी है कि 12,000 डेली वेजर्स को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की डायरेक्शंस पर और माननीय उपराज्यपाल महोदय जी द्वारा आज उनकी फाइल्स का अप्रूवल दे दिया गया है और बहुत जल्द ये आप परमानेंट मुलाजम हो जाएंगे। मैं 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले अपने डेली वेजर्स भाई बहनों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उनके बहुत पेंडिंग डिमांड्स पूरी हुई। और मैं जनाब अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, और साथ साथ जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया। एक कहावत है, नन्ही सी जान और इतने सारे काम। रविंदर रन जी जम्मू में भी नज़र आते हैं, डेली वेजेस के दुख सुनते नज़र आते हैं, वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर नज़र आते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की, क्या ये सारी जिम्मेवारियाँ रविंदर रैना जी के शोल्डर्स पे हैं, बाकी नेता इतने नज़र नहीं आते? देखिए, चूंकि मुझे पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरे कंधों पर यह जिम्मेवारी है, लेकिन आपके पास कोई मिस्टर इंडिया वाली घड़ी तो है नहीं, क्लिक करोगे तो हर जगह पहुंच जाओगे, हर एक। ये अगर आपको लगता है कि अगर सभी नेताओं को धीरे धीरे अगर पब्लिक से इंटरेक्शन होती रहे तो मुद्दे जल्द हल होंगे और जल्दी सुनवाई होगी? देखिए, जो हम पॉलिटिकल लाइंस में होते हैं, जो सामाजिक क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, चाहे राजनीतिक दलों के नेता हों, हम सबकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता का ख्याल रखना, जनता की समस्याओं का समाधान करना और जनता के बीच में रहना और जनता का दुख सुख सुनना और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करना। जब आप पूरी ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, और उस ईश्वर को, भगवान को, खुदा को, उस वाहेगुरु अकाल पुरख को हजर नाजर रखकर जब ईमानदारी से काम करते हैं, तो ऊपर वाले की भी रहमत, ऊपर वाले का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा आप पर होती है, और उससे जो व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको जो है वो लाभ मिलता है, और भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की रहमत से ये सारा काम होता है। कहते हैं सब आपकी दुआ से यहाँ काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये ऊपर वाले की रहमत होती है। तरीका इंतजार है, किस तरीके से देखते हो यूपी को लेकर, किस तरीके से आप देखते हो? क्या इस बार, जिस तरह हमेशा कहते हैं कि यूपी अगर जीत लिया तो समझ लो हिंदुस्तान जीत लिया, किस तरह से यूपी को देखते हो अभी? प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब में पहली बार हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा, और जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बेस को और मजबूत करेगा। क्या उसकी गूंज जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी? क्या यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा? ज़बरदस्त जश्न होगा, और इसकी गूंज क्या, इसका असर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे। ये सब मोदी साहब ने जो यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, जम्मू के या कश्मीर के अंदर जो लोगों की तकलीफें मोदी साहब ने दूर की हैं, ये उसी का परिणाम है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, 50+ सीटें लेकर बीजेपी यहाँ हुकूमत बनाएगी, और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। रविंद्र जी, एक अहम और आखिरी सवाल, आप कहते हो 50+ और अगला सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। पिछली बार मोहन भागवत जी यहाँ आए थे तो बड़े बड़े चेहरे जो हैं अपनी पार्टियाँ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया उन्होंने। इस बार नड्डा साहब आए हैं माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के, क्या कुछ और चेहरे देखने को मिलेंगे? जिस तरीके से आप कहते हो 50 ताल ठोक के 50 पार जाएंगे। देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स की विजिट तो एक मकसद रहता ही है, लेकिन कुछ ना कुछ उथल पुथल देखने को मिलती है सियासी गलियारों में। बस आप देखो, आगे आगे देखो होता है क्या।
आगे आगे देखो होता है क्या। क्या सीएम अगर चेहरा देखे तो रविंद्र रैना जी आ सकते हैं? चलिए, मुख्यमंत्री का चेहरा मैटर नहीं करता। देखिए, आपके पास ऑप्शन के तौर पर बहुत कुछ है, मतलब आपने मुख्यमंत्री कौन होगा, रविंद्र रैना होगा या कोई होगा, ये देखिए ये मैटर नहीं करता है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, जो भी होगा बीजेपी का। आईपीएल की टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उसमें एक से एक फनकार खिलाड़ी हैं, विराट कोहली भी उसमें है, क्रिस गेल भी उसमें है, उसमें एबी डिविलियर भी है, टॉप की टीम है, वर्ल्ड के सभी खिलाड़ी हैं। कहा था ना क्रिस गेल को, जब मैंने ट्वीट किया था कि लेफ्ट हैंडर्स आर ऑलवेज वेरी डेंजरस, आपने लंबे लंबे छक्के भी लगाए थे, वो हमने देखा था। थैंक यू। इस बार आने वाले रिजल्ट में भी छक्के देखने को मिलेंगे? जबरदस्त जबरदस्त। तो खैर, हमने कहा कि कोशिश हम ये करेंगे कि मैक्सिमम जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हलचलें हो रही हैं उस पर जिक्र किया जाए, बात की जाए। और रविंद्र रैना जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो खुलकर बात करते हैं, और वो हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास भी किया। आप देखते रहिए जगह पे जी। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द जगह पे जी के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।